नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो अब लगभग पूरा हो चुका है। जो मतदान का वक्त था वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक था। वहीं पर अब जो मतदाता 6 बजे से पहले लाइन में मौजूद है उनको वोट देने की अनुमति रहेगी। वहीं अब जो कह सकते हैं कि मतदान का जो शोर है इस वक्त समाप्ति की ओर है। वहीं अगर हम बात करें तो 5 बजे तक कुल उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 55.70% मतदान पूरा हो चुका था। हापुड़ की अगर हम बात करें तो 61% मतदान जो है तो 5 बजे तक पूरा हो चुका था। वहीं बागपत में 61.30% मतदान पूरा हो चुका है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 53.58% और शामली में 61% जो मतदान है वो शाम 5 बजे तक पूरा हो चुका था। मुजफ्फरनगर 62.9% मतदान, वहीं मथुरा में 58.12%, वहीं गाजियाबाद में 55.31% जो है मतदान वो पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर लगभग 55% जो है वो मतदान जो पूरा हो चुका था। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग परसेंट जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र वर्मा राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही एक और राजनीतिक विश्लेषक संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों ही महानुभाव का स्वागत है प्राइम टीवी पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र वर्मा सर, आपकी तरफ, आप जिस प्रकार से इस बार का मतदान देख रहे हैं, पहले चरण का जो मतदान है वो लगभग पूरा हो चुका है, पर 5 बजे तक 55.70% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, किस प्रकार से देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को? क्या इस बार अच्छा मतदान है या फिर और अच्छा हम कर सकते थे या फिर कहीं जागरूकता में कमी रह गई? जी थैंक यू। और इस हिसाब से जो आप वोटिंग परसेंटेज अभी तक बता रही हैं जी, वो 55.70, ये रियली में यदि लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत खराब, इसको हम लोग श्रेणी में रखेंगे कि ये खराब परसेंटेज है। देखिए, लोकतंत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था, वो था वोट डालने का अधिकार। उस वोट की सेंसिटिविटी को और उस वोट की ताकत को लोग यदि अभी नहीं पहचान रहे हैं तो ये थोड़ा दुखद है। कहीं कहीं ऐसी भी सूचनाएं आई हैं कि ईवीएम ज्यादातर जगह पर थोड़ा सा खराब निकली वहां पर, तो ये क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस डेमोक्रेसी को किस ढंग से एकदम पारदर्शिता लाए, उसमें स्वच्छता लाए और उसकी सुरक्षा करे। तो ये चुनाव आयोग का भी दायित्व तो है कि इस तरह से वो बैकअप प्लान कुछ ना कुछ जरूर रखे और उसको तत्काल एक मुहैया कराए। कहीं कहीं वोट डालने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो ये सब जो क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी, इमर्जिंग डेमोक्रेसी है, अभी परफेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ हम लोग बढ़े नहीं है, जो मुझे हम लोगों को फील होता है। सर, अभी संजय सर हमारे साथ है पॉलिटिकल साइंस के, वो भी आपको यही चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक और जो जितने भी मूल्य हैं हमारे, उनमें वोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग यदि वोट डालने के लिए नहीं आए तो ये गलत, कम से कम 70% से नीचे किसी हालत में मतदान नहीं होना चाहिए जी। ये अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, कौन सी पार्टी को फायदा होगा, कौन से को नुकसान होगा, ये सब छोड़ दीजिए जी। लोकतंत्र में आपका वोट डालना बहुत महत्वपूर्ण, मेरा निवेदन भी रहेगा आपकी टीवी के माध्यम से, यदि दर्शक कोई भी सुने तो वोट डालने जरूर जाइए। आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा का स्वागत होना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है और बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन इस तरह से जो निराशा हो रही है कि 55% जहां मान लीजिए 60% आपका ओवरऑल हो जाएगा, तब भी हम इसको लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानेंगे कि ये परसेंटेज लोकतंत्र के लिए अच्छा है जी। संजय गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपकी तरफ रुख करते हैं। आपने जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज अभी देखा है, आपको जिस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे वोटिंग परसेंटेज को, राजेंद्र जी ने भी सेम बात कही कि जो कंपैरिजन किया जाए तो काफी खराब प्रदर्शन है। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग परसेंट है वो काफी कम दर्ज किया गया है। इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज है काफी अच्छा नहीं रहा है। इस बार के चुनाव में तमाम तरह के प्रयास किए गए थे, हर बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, डीएम से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी, वो कह सकते हैं कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहे थे। खुद सीएम योगी ने कई जगहों पर इस तरीके की सभाएं की जहां पर लोगों को जागरूक किया गया। बावजूद इसके जो नतीजे निकल रहे हैं वो काफी निराशाजनक है, किस प्रकार से देखते हैं इसे और क्या कुछ कारण आपको लगते हैं जिसकी वजह से इस बार जो वोटिंग है वो कम हुई है? हेलो जी संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल।
हाँ ऐसा है ऐसा है मैडम, मैडम, ये ये अभी अभी डॉक्टर राजेंद्र वर्मा साहब ने साहब जो ने कुछ जो कुछ कहा, कहा मैं उस बात से बिल्कुल बिल्कुल यकीन रखता हूँ, उन्होंने जो कुछ कहा। और चूंकि मैं राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ और शिक्षक भी हूँ, इसलिए मेरा मानना है कि भारत ऐसे देश में जहाँ पर इस समय जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो चैनल्स हैं इतना इवॉल्व हो चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब जहां पर हम डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, गांव गांव तक मोबाइल कनेक्शंस आ गए हैं, टावर्स आ गए हैं, और इतना ज्यादा हाई पेस्ट ये जो पूरा इलेक्शनरिंग रही है सारे दलों के द्वारा, उसके बाद अगर हम 55 और 56 पर आकर अटक गए, तब तो लगता है कि मैडम इस देश की जनता को हो क्या गया है। हम लोग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में इतना बढ़ चढ़ के बात करते हैं, सेमिनार और क्या संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, लेकिन देखिए जिसे कहते हैं कि जिस दिन द डे ऑफ डेमोक्रेसी है, जैसे आज और आगे के 6 चरण में और होना है, अगर ऐसे ही लोगों का रिस्पांस रहेगा तो मुझे लगता है कि अब इस देश के लोगों को अपने पर दोबारा सोचना होगा कि वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हम लोग तो वी विल एंड अप एज ए ग्लोरियस क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट, जी और इतना कुछ होने के बाद भी इतना हाई पिच्ड ये इलेक्शनरिंग रही है, वोटिंग रही है, ये पूरा ये कैंपेनिंग रही है, सभी राजनीतिक दलों ने पूरी जी जान से किया है, सारे बड़े नेताओं ने, सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इतना इतना समय लगाया, और उसके बाद अगर हम इतना डिसमल परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल अगर हम कहें, तो ये तो बड़ा चिंता की बात है। और इलेक्शन कमीशन ने तो इतना ज्यादा कुछ किया भी है लोगों को जागरूक करने के लिए, सब जगह संगोष्ठियां आयोजन करी गई है समय समय पर, जी इसलिए इसलिए मुझे लगता है ये दुखद है निश्चित रूप से। जी राजेंद्र जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। हम कम वोटिंग परसेंटेज जी की बात कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ हम प्रशासन की लापरवाही भी देख रहे हैं, क्योंकि सुबह कई जगहों से ऐसी कंप्लेन आई कि बूथ में ईवीएम मशीन जो थी वो खराब हो गई, उसके बाद उसे ठीक करके जी दोबारा से चलाया गया। वहीं कई बूथों से ऐसी खबर भी आई है जहां पर कहा गया कि लोगों को रोका गया, क्योंकि बूथ जो थे वो काफी दूर थे, 5 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरह से बैरिगेडिंग की गई और फिर लोगों को रोकने के कई इस तरीके की खबरें आई, जहां पर लोगों ने ये कंप्लेन की है कि हम बूथ तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कोरोना भी फैक्टर माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कोरोना फैक्टर भी काफी इफेक्टिव रहा है, जिसकी वजह से जो मतदाता है वो बूथ पर नहीं पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। किस प्रकार से देख रहे हैं आप, किसकी कमी इसमें ज्यादा उजागर होती है? जी बिल्कुल, इसमें चुनाव आयोग और सरकारों की कमी है। आप जी स्पष्ट सुनिए, वोट डालने की आप यदि सुविधा नहीं वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और इससे आपके सुविधाओं के अभाव में जो मतदाता है वो वंचित हो रहा है अपने वोट के अधिकार से, तो ये दुखद है। दुखद के साथ साथ ये निंदनीय भी है। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा, या फिर लोग इतना ज्यादा इस सिस्टम से, पॉलिटिकल पार्टियों की इस जो साजिश होती है या जो इनका चेहरा है किसी भी पार्टी की बात कर लें, तो इससे आप निराश हो गए हैं कि उनका डेमोक्रेसी में एकदम विश्वास नहीं रह गया है कि हम वोट डाल के सरकार बदले या अपनी अपनी पॉलिसी के लिए वोट दें, अपने मुद्दों के लिए वोट दें, उस तरह का अभाव। इसके बाद कुछ चीजें इसलिए आपको माननी पड़ेगी कि भारत एक बहुत विशाल देश है, और विशाल देश के साथ साथ विविधताओं के साथ ये देश है, समाहित है, एक समग्र मंच के रूप में है। और आपको गांव और इसके जो आपके जो क्या कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर जो हैं, उसके बाद अपनी जगह जगह पे टीमें में भेजते हैं और वहां का जी लोकेशन देखने के लिए, ये बूथ जो बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, सुविधाजनक होंगे कि नहीं होंगे, लोगों के रीच में होंगे कि नहीं होंगे, यदि उसके बाद भी ये गलतियां हो रही हैं तो इसकी किसकी जिम्मेदारी ठहराएंगे आप जी बताइए। जवाबदेही और जिम्मेदारी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हथियार है, और जब जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचने लगते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सरकारें हो और चाहे हम आप हो, यदि डेमोक्रेसी में आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है तो आपको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी, आपको ड्यूटी के साथ साथ आपका आपके जो कर्तव्य है उनका भी निर्वहन करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आप डेमोक्रेसी वहां पर फेल हो रही है कि सुविधाओं के अभाव में डेमोक्रेसी फेल हो रही है। अभी देखिए हमारे सर, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि जब इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो रही है, जी गांव गांव तक सबके पास इस समय स्मार्टफोन है, इसके बाद भी आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप पैटर्न कुछ दूसरा कीजिए, लोगों को कुछ ना कुछ एक ऐसा तरीका निकालिए, एक्सपर्टों से सलाह लीजिए, सभी पार्टियों के मीटिंग कीजिए कि वोट अपने घर में बैठ के डालना चले। मान लीजिए कोई अब ठीक है आलस हो जाता है, ये कहते हैं अपर मीडियम जो मध्यम वर्ग है वो थोड़ा सा उसको सब कुछ मिल जाता है तो उन बातों को भूल जाता है और वो एक
इजी लाइफ में, कंफर्ट जोन में रहने लगता है, और उसको मतलब इन चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है, सरकार किसी की ना है, ठीक है? तो वो चीज भी अच्छी नहीं है। आप या फिर मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, यदि ये मशीनरी फेल हो रही है तो आपको कुछ दूसरा साधन भी इसके साथ साथ होना चाहिए था, ठीक है? आपको जरूर करना चाहिए, और बैकअप प्लान नहीं है आपके पास। ये बड़े मतलब हास्यास्पद है कि आपको मशीन उसी को ठीक करने में दो दो घंटे लगा दिए आपने। ये एक दुखद है, ये आप समझिए। आप एक वोट से आप हार जीत होती है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक विधायक से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन आपने उस महत्व को यदि आप तहजीब नहीं देंगे, और इसकी इसकी पवित्रता को, और इसकी इसकी जो सिक्योरिटी है, और इसकी स्वच्छता को नहीं बरकरार रखेंगे, तो आप एक डेमोक्रेसी पे हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहेंगे। जहां मैं सबके लिए बोलता हूँ, अपने लिए भी, सरकारों के लिए भी, और चुनाव आयोग के लिए भी, इनको पूरा पूरा लोकतंत्र को एक जीवित रखना है, सुदृढ़ बनाना है, तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, और अच्छी तरह ध्यान देना पड़ेगा। लोगों की जरूरतों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप 5 किलोमीटर दूर बना दिए, जैसे बहुत शिकायतें आ रही है सोशल मीडिया में, हम लोग देख रहे हैं 5-5 किलोमीटर। अरे क्या आपके पास प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है गांव में, 5 किलोमीटर की दूरी पे है, आप कैसी बात करना चाह रहे हैं? या फिर जानबूझ के ऐसा किया गया है, ये आरोप भी यदि लगाएंगे तो आप कहेंगे कि गलत बोल रहे हैं। तो इस तरह के चीजों से बचना चाहिए, पारदर्शिता दिखनी चाहिए, स्वच्छता दिखनी चाहिए, आप और करनी भी चाहिए, जी तभी हम लोग और आप लोग सब लोग सुरक्षित रहेंगे। जी देखिए, जी जी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तो हम लोग आप लोग सुरक्षित हैं, और अपने हक की और अधिकार के लड़ाई कर सकते हैं, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। जी संजय डेमोक्रेसी जी, बड़ा है, आप उसकी रक्षा कीजिए। जी 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 संजय जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से इस बार का जो चुनाव हुआ है, पहले चरण का मतदान हुआ, आपने देखा किस तरह से समस्याएं जो है वो निकल कर सामने आई, चाहे फिर वो मतदाता हो, ईवीएम मशीन हो, या फिर जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से। इस बार एक मीम जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि वोटिंग नहीं पर समस्या वही। अब ईवीएम मशीन जो पहले खराब हुआ करती थी वही कंडीशन है, जहां एक तरफ हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ हम भारत को ले जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी ईवीएम मशीन उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान के शुरुआती घंटों में खराब हो जाती है, और कई घंटों के बाद उसे ठीक करके दोबारा से उसमें वोट डलवाने चालू किए जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो दल है समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगे कि भाई फर्जी वोटिंग करा दी गई, बुजुर्ग सपा का बटन दबाना चाहता था लेकिन पुलिस वालों ने जबरन बीजेपी का बटन दबवा दिया, फर्जी वोटिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। तो वोटिंग इस बार की नहीं है लेकिन समस्याएं जो है वो वही पुरानी है, ना तो उन पर समाधान निकाला गया और ना ही क्या अगर तैयारियों की बात की जाए तो उन्हें भी सुदृढ़ बनाया गया। किस प्रकार से देखते हैं? हाँ मैडम, देखिए ये भी, ये जो आपने बातें बताई और जो डॉक्टर राजेंद्र वर्मा साहब ने बताया, ये सब बड़े गंभीर मामले हैं ये। जी और अब इसमें तो जैसा हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, और इसकी तैयारी तो पूरा, बातें तो कहते हैं अच्छी अच्छी बातें करी जाती है हमेशा से कि इलेक्शन कमीशन इट इज कंसर्न विद द कंडक्ट और सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट डाउन टू द लोकल पंचायत इलेक्शन या स्टेट असेंबली तक इनको कराना रहता है। लेकिन अगर इस प्रकार की शिकायतें अगर आ रही हैं कि ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं, तो अब इसके ऊपर तो जितने हम, मुझे तो लगता है कि इतनी बड़ी आलोचना का विषय बन जाता है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण ये चुनाव होते हैं, 5 साल में एक बार आने होते हैं, और अगर ये बेसिक चीजें, अगर जो डेमोक्रेसी को चलाने वाली आधारभूत जो चीजें होती है, अगर उसी में गड़बड़ होने लगा, तब तो इलेक्शन कमीशन की पर से विश्वसनीयता लोगों की खत्म होने लगेगी। ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम बात करते हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, दीज आर रियली वेरी गोल्डन वर्ड्स, बट दीज गोल्डन वर्ड्स आर सपोज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस। जी अब अगर अगर मतदाता के मन में ये अगर अगर ये ऐसा विचार आ गया कि वोटिंग मशीन्स में, ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम है, या ऐसे मैल फंक्शनिंग ईवीएम्स को रखा गया है, तब तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है, और इलेक्शन कमीशन को इसकी जवाबदेही, इसको सुनिश्चित करना होगा। कल के दिन अगर ये मैटर अदालतों में जाएगा, हाईकोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स हाईकोर्ट में आते हैं, तो अगर हाईकोर्ट में अगर ये मामला गया, तब तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ी क्या एम्बैरेसमेंट का विषय होगा कि अगर ये तो
बार बार इलेक्शन कमीशन हमको ही बताता है कि पूरी तैयारियां हो गई है, समय समय पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं और लोगों में एक विश्वास पैदा करने का एक प्रयास किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन अगर आज पहले ही दिन, अभी तो और राज्यों की वोटिंग बाकी है और चरणों की वोटिंग बाकी है, लेकिन अगर पहले ही चरण की वोटिंग में इतनी समस्याएं आ गई और घंटों अगर उसको ठीक करने में जनता को लाइन में खड़ा रहना पड़ा, तब तो एक बड़ा ये गंभीर विषय है और ये दुखद विषय है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको लेकर वास्तव में ये दर्शाता है कि अभी इलेक्शन कमीशन इट इज येट नॉट अ वेरी मेच्योर बॉडी। भले ही मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने बचाव में बहुत कुछ कहेगा, वो कहेगा कि हम इसकी जांच कराएंगे और ये सब तमाम बातें होंगी, लेकिन कम से कम आज के दिन, वोटिंग वाले दिन तो ये नहीं होना चाहिए था ना। एक ड्राई रन तो कर सकते थे, जी और रैंडम इसको ईवीएम मशीन को निकाल कर उसको किया जा सकता था, ड्राई रन कर सकते थे, इसे मॉक ड्रिल्स कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं जैसे राजेन वर्मा साहब ने बताया। इसकी तो तैयारी जैसे बच्चा कई प्रकार से उसका अभ्यास करता है, पूर्वाभ्यास करता है, और मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने किया होगा, लेकिन अगर करने के बाद भी इतनी गंभीर समस्याएं आ रही हैं, तब तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये जी कि इतना करने के बाद भी, अगर हमारी 70 साल से इलेक्शन कमीशन जो चली आ रही है उसके बाद भी इतनी समस्याएं आ रही हैं, तो इसके ऊपर ये एक बड़ा भाई एक दुखद विषय होगा, मेरा तो ये मानना है। और जी जी इससे लोगों जी की लोकतंत्र पर की विश्वसनीयता पर तो नहीं उतना साक गिरेगी, लेकिन जितना हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो इलेक्शन कमीशन अगर उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला हुआ है, तब तो उसके पास इतना धन है, उसके पास इतने संसाधन है, उसको तो जो चीज चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने कह रखा है कि इनको जितने जितने संसाधन और धन की आवश्यकता है, सरकार को बिना इसमें हिचक के, बिना किसी प्रकार के संशय के इनको उपलब्ध कराना होगा। अब इतना होने के बाद भी अगर इस तरह से समस्याएं आएंगी, और जो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, बड़े बड़े इसमें आप जानते हैं स्टेक्स इन्वॉल्व रहते हैं, हर एक राजनीतिक दल इतना जी जान से लगा रहता है, जनता जी जान से लगी रहती है, लेकिन उसका अगर परिणाम पहले ही दिन अगर फ्लिप फ्लॉप करके आया, तो थोड़ा सा ये इसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा कि हम लोग कहाँ तक, हमारी मशीन्स संस्थाएं कहाँ तक अभी तक मेच्योर हो पाई हैं। जी संजय जी, जी जिस तरह से अभी आपने जिस चीज के बारे में जिक्र किया, चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं गलती भी इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है। शायद तैयारियां जो थी वो अधूरी थी और तैयारियों को पुख्ता नहीं किया गया था। वही राजेंद्र जी, मैं आपकी तरफ रुख करती जी हूँ। सिर्फ ईवीएम की समस्या जी नहीं थी, अब विपक्षी दलों को भी बहुत ज्यादा समस्या है। लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि भैया एक बार फिर से ईवीएम को हैक कर लिया गया, फर्जी वोटिंग करा दी गई। जहां एक बुजुर्ग भैया गए वोट डालने, सपा को वोट डालना चाहते थे, साइकिल को वोट डालना चाह रहे थे, लेकिन कमल का बटन दबवा दिया गया और आरोप लग रहा है पुलिस वालों पर। वहीं कई जगह पे आरोप लगाया गया कि भाई ये जो पूरा गांव था ये आरएलडी के सपोर्ट में था या फिर समाजवादी के सपोर्ट में था, लेकिन जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और सुबह बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोक देते हैं, अब गांव वाले किस तरह से जाए, वोटिंग किस तरह से करें। तो हर बार का चुनाव होता है और इस तरीके से वार पलटवार भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं कि भैया ईवीएम हैक कर ली गई या फिर जबरदस्ती वोट डलवाए गए, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, राजनीतिक पार्टियां यदि इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो उन पर प्रश्न उठाना उनका अधिकार है। जी ठीक है, क्यों अधिकार है? क्योंकि वो इस चुनाव में सीधे सीधे भाग लेती है। जी जिस तरह जनता भाग लेती है, तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि के रूप में कोई भी नेता जो प्रतिनिधि होता है समाज का, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, वो सीधे सीधे भागीदारी सुनिश्चित करता है अपनी। यदि वो प्रश्न उठा रहा है तो उन प्रश्नों को एड्रेस होना चाहिए। यदि ज्यादातर लोग उठा रहे हैं तो जरूर होना चाहिए। हो सकता है कोई दुर्भावना बस पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में कोई अपनी विचारधारा के लिए उठा रहा हो, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली जिन पे हम और आपको संदेह होता है कि अभी भी जो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो वोट है, जो सबसे अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार वोट है, उस पर खतरा मंडराता है। यदि हैकिंग की समस्या है, देखिए बड़ी डिबेट हुई कौन लाया क्यों नहीं लाया है, हो सकती है नहीं हो सकती है, अलग अलग सबके मत है। सर अभी हमारे साथ बैठे हैं, इनका सब मत होगा अलग होगा, मेरा मत अलग होगा, आपका अलग होगा, पॉलिटिकल पार्टियों का अलग होगा। यदि स्वच्छता पे प्रश्न उठ रहे हैं, शुचिता पे प्रश्न उठ रहे हैं, तो आपको उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। आप एड्रेस कीजिए। आपने ईवीएम की शुचिता के लिए आपने बीपीपीएड लगवाया था, ये भी किससे आए हैं और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे गए हैं कि किसी यदि मंत्री या विधायक जो एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको अपनी
उस पे काउंटिंग पे डाउट हुआ तो बीबीपीएट इसलिए लगा था कि भाई उसकी आप संख्या गिन लिया जाए, अरे संख्या भी नहीं गिर रहे हैं लास्ट में, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में आता है। जी कौन पार्टी है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है। आप जब सत्ता में आ जाएंगे तो हो सकता है बीजेपी आरोप लगाए, और अभी आप बीजेपी सत्ता में है तो आप आरोप लगा रहे हैं। तो जी ये आरोप प्रत्यारोपों से बचने के लिए ही व्यवस्थाएं की जाती हैं। चुनाव आयोग बराबर लगातार फेल हो रहा है। आपने लोकल बॉडी के इलेक्शन देखे होंगे, आपने पुलिस प्रशासन का मिसयूज देखा होगा, ये सच्चाई भी है। यदि आपने जो पुराने व्यवस्था में कहते थे कि बैलेट लूटे जाते हैं, तो आप भी यदि ये वर्तमान व्यवस्था में भी बैलेट लूटने का प्रबंध कर रहे हैं या मौका दे रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात जी है, ये वहीं भी पर खतरनाक है। जी, वहीं पर अगर जी मैं संजय जी आपकी तरफ रुक करूं, कुछ भैया बिल्कुल जिस तरह से ईवीएम हैक हो गई या फिर ईवीएम खराब हो गई, इसको लेकर कई मतदाता ऐसे थे जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए थे। ऐसे में एक और ऐसे नेता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए चुनावी प्रचार के कारण, जो जयंत चौधरी थे, आज वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। शाम 6 बजे तक वो मथुरा में चुनावी बूथ तक नहीं पहुंचे और वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। आरएलडी के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और एक इस वक्त क्या कहते कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। ऐसे में उनका खुद एक वोट ना देना किस प्रकार से देखते हैं? जी ये प्रश्न किससे है, मुझसे है? जी राजन जी आप बताइए। अच्छा, अच्छा, ये यदि जानबूझ के जानबूझ वोट कर वोट डालने नहीं आए तो ये अच्छी बात नहीं, कोई भी नेता हो। डेमोक्रेसी में आप लीडर बनते हैं तो एक पब्लिक के लिए आप एक आइडियोलॉजी या आइडियल के रूप में उभर के आते हैं कि हमारे नेता है, ठीक है। आपने यदि वोट नहीं डाला जानबूझ के तो ये इसको मैं निंदा का विषय मानूंगा और इसमें आलोचना करूंगा कि अच्छी बात नहीं। जी यदि वोट डालने गए और कुछ गड़बड़ी हो गई तो चुनाव आयोग वहां पे आता है कि आपने फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई, अब आप जानबूझ के अपने वोट का अधिकार नहीं प्रयोग, ये तो आप अच्छा संदेश नहीं दे रहे। जी आपको जाना चाहिए था वोट डालने के लिए, किसी कारणवश या क्या रहे उसमें तो मैं नहीं जानता हूं ज्यादा कि क्यों नहीं जा पाए या जानबूझ के नहीं डाला या डाल ही नहीं पाए, क्या है इसके पीछे, तो ये तो आप लोग इसका रिसर्च कीजिए। लेकिन मेरा हम लोग का आशय है, खासतौर से जो डेमोक्रेसी बचाने के पक्षधर हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं और जितने भी हमारे इस सोसाइटी के टॉर्च बीरर हैं, उन सबसे सबका यही मत होता है कि हमारा डेमोक्रेसी हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो। जी हमारा हमारी जो विचारधारा किसी भी पार्टी के साथ कुछ भी हो सकती है, वो अलग है, लेकिन एक जो कॉमन करेक्टर है, भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी। हो सकता है कि वो सुरक्षित में आपको अभी अभी तत्कालिक रूप से आपको लगे कि ये कष्टकारी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपके लिए फायदे भी पहुंचाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ ये किताब मानना पड़ेगा, भारत के संविधान को आपको मानना पड़ेगा और उसकी व्यवस्थाओं में विश्वास रखना ही पड़ेगा यदि आप लोकतंत्र को मानते हैं। यदि आप कह रहे हैं हम मान देते हैं कि लोकतंत्र नहीं है हमारे देश में, तो भाई कुछ भी करिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की बहुत नैतिक जिम्मेदारी भी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व भी है कि चीजों को सुधार करना चाहिए। बार बार चुनाव आयोग फेल हो रहा है और मैं लोकल इलेक्शनों की बात कर रहा था, वहां पे यदि किसी सरकार से यदि प्रशासनिक आदमी, कोई भी सरकार एक्स वाई जेड, यदि प्रशासनिक आदमी इसमें ड्यूटी में लगे हुए जो कार्यकर्ता हैं वो यदि इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में आप उस समय जाके आपने किसे इन्फ्लुएंस किया। जो एक वीडियो आप दिखा रहे हैं कि ये कहाँ का है, मैनपुरी तरफ का, कि जो विकलांग आदमी था उसका वोट यदि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी वहां पे थे उस कार में बैठे हुए दिखा रहे थे, चुनाव आयोग के लोग जो ड्यूटी लगी थी, उन्होंने उसका वोट उसको नहीं डालने दिया, खुद डाल दिया। जी किसको डाला ये बात का विषय है, आपने उसके सबसे बड़े अधिकार को उससे वंचित कर दिया और आप इसके लिए आपको यदि सजा नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी, हम लोकतंत्र की कैसे रक्षा कर पाएंगे ये बताइए। तो ऐसे चीजों को भी बहुत जरूरी है एड्रेस होना और इनको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना ही लेना पड़ेगा कि किस कोई यदि इस तरह गलती कर रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। जी संजय जी मैं आपके पास डेमोक्रेसी आना तभी जी बचेगी। जी 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 संजय जी मैं आपके पास अब जी आना जी चाहती हूँ। जिस तरह से हमने मतदान की बात कर ली, वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली, वहीं पे अगर हम बात करें चुनाव की, तो इस बार का जो चुनाव है विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में सही होने जा रहा है, लेकिन 2024 की जो रणनीति है वो अभी से ही तय की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, पिछली बार का इतिहास दोहराने पर भी उनका एक प्रेशर है।
इस बार मुद्दे जो है वो बदल चुके हैं, किसान आंदोलन हो गया, लखीमपुर खीरी हिंसा मामला हो गया, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए तमाम तरह की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने करती है। वहीं पहले चरण की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 9 बड़े चेहरे जो है उनकी जो किस्मत है इस वक्त ईवीएम में लॉक हो चुकी है। किस प्रकार से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी साख बचाने में कामयाब हुई है या कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े मुद्दों में वो विफल होती नजर आई है? मैडम आपने मुझसे पूछा क्वेश्चन? जी 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 सर जी राजन जी। अच्छा 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 हाँ हाँ देखिए मैडम, ये जो पूरा आज का चुनाव हुआ है और आगे तक होना है भी जी, निश्चित रूप से गवर्नमेंट को के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही है। गवर्नमेंट नहीं सॉरी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी हो चाहे नॉन रूलिंग पार्टी हो जी। और जहां तक आपने बीजेपी का प्रश्न उठाया, बीजेपी के लिए तो बहुत ही बड़ा ये प्रश्न हो गया है, यक्ष प्रश्न हो गया है कि आज की जिस प्रकार से वोटिंग भी है लगभग 55-56 के बीच में हुई है, तो ये बड़ा एक परप्लेक्सिंग ये एक सिग्नल आ रहे हैं कि क्या किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। लेकिन जहां तक आपने मुद्दों के बारे में बात की तो निश्चित रूप से मुद्दे तो बहुत गंभीर हैं जो रूलिंग पार्टी को एड्रेस अभी तक जो उन्होंने करने का प्रयास किया था, अब कितना वो जनता को कन्विंस कर पाए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे ख्याल से जो एकदम रीसेंट था, अभी 2 महीने पहले तक चल रहा था किसान आंदोलन का जी। और किसान आंदोलन देखिए 1 साल तक तो चलता रहा और अल्टीमेटली जब उसको विथड्रॉ भी किया गया और ये प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी, लेकिन लोग बराबर ये पूछ रहे हैं वहां पर कि क्या माफी मांग लेने से क्या हमारे कष्ट और हमारे जो इतनी जो एक जो कठिन हमारी जो मेमोरीज हैं, जो अनप्रेजेंट मेमोरीज हैं 1 साल की, क्या उससे भरपाई हो जाएगी। उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि जो अनफॉर्चुनेटली जो फार्मर्स जिनकी डेथ हो गई, कैजुअलिटी हो गई इस 1 साल में, क्या उनकी भरपाई हो पाएगी, उनके परिवारजनों की भरपाई हो पाएगी। और साथ साथ जो ट्रैक्टर जो वहां पर जो जीप वाला जो कांड हो गया था किसी मंत्री महोदय के सुपुत्र के द्वारा, ये सब देखिए एकदम ये कैटेलिटिक फैक्टर है। 2 महीना भी समय ज्यादा नहीं बीता, इसलिए वहां के वोटर के माइंड के ऊपर ये सारे मुद्दे बहुत ज्यादा हावी हैं। दूसरा जो मामला है जो मुझे लगता है जो एक महंगाई का इन्फ्लेशन का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस समय, एक आम आदमी वो महसूस कर रहा है कि हाँ उनकी जो दिनचर्या है, या दिनचर्या तो ना कहें लेकिन हाँ डे टू डे जो लाइफ है, जो कॉस्ट ऑफ डे टू डे लाइफ है वो काफी जिसे कह लें कि दुष्कर होती जा रही है, चीजों की महंगाई बढ़ती जा रही है। केवल लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर लेना, जैसे गवर्नमेंट कह रही है हमने उसको कंट्रोल कर लिया या हमने कुछ लोगों को जेल के पीछे पहुंचा दिया, ये एक मुद्दा हो सकता है, ठीक है दे कैन क्लेम इट टू देयर क्रेडिट, लेकिन टू से दैट दे हैव रिजॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, तो ये तो एक बहुत बड़ी दूर की बात है। और अगर ऐसा ही होता तो संभवतः ये जो इस प्रकार की जो मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं जी, कि किधर को जाएगी हवा, कहाँ को अल्टीमेटली बहेगी, ये मिक्स सिग्नल्स ना आ रहे होते शायद कुछ और ही सरकार का जो आकलन होता या जो जो रूलिंग पार्टी उसका कुछ और ही आकलन होता, लेकिन इस समय तो बहुत इसे क्लिफ हैंगर है। तो कई सारे मुद्दे इस समय हैं जो सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण बन गए हैं एंड द रूलिंग पार्टी कैन सिंपली नॉट अफोर्ड टू से दैट इट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन वे। क्लिफ हैंगर है और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दे स्टैंड आई मीन टू लूज अ सब्सटेंशियल चंक ऑफ द सीट जी, है ना। वो तो ठीक है, चलिए हर एक पार्टी दावा करती है, चाहे चाहे विपक्षी दल हो, चाहे चाहे शासन करने वाला दल हो, लेकिन वास्तव में जो रियल जो स्टेक्स हैं वो तो रूलिंग पार्टी के लिए इन्वॉल्व है। हाउ टू रिटेन देयर मेजोरिटी, हाउ टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, और खासतौर से ये जो 2-3 जो 2 महीने पहले तक जो इंसिडेंट्स हुए हैं, 1 साल तक ये चला है, ये वोटर के मन में है ये कहीं ना कहीं। देखिए ये यादें इतनी जल्दी जाती नहीं है और इन सबके साथ जब आदमी की शिकायत होती है ना मैडम, तो साथ साथ 2-3 मुद्दे और भी जुड़ जाते हैं। हो सकता है महंगाई एक इतना बड़ा मुद्दा ना बनता अगर ये 3 कानून वाला या जो मंत्री महोदय के सुपुत्र द्वारा जो किया गया था, ये अगर ये कांड ना हुआ होता, खासतौर से जो जीप वाला कांड था, तो संभवतः एक बार थोड़ा बहुत फिर भी एक वो होता कि चलो ये कानून था हटा दिया गया, लोगों ने माफी मांगी। लेकिन कुछ ऐसे वारदातें हुई हैं, इसको भूल पाना जनता के लिए बहुत मुश्किल है और लोगों ने कुछ जो सफर किया है उसका वो अब चाहते हैं कि अब इसका हिसाब किताब बराबर हो। इसलिए देखिए
द बॉल इज इवनली प्लेस्ड, है ना, अब किसकी ओर फाइनली जाती है ये तो अब देखिए कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरा मानना है चुनौती है और आगे तक की चुनौती है, खासतौर से जो रूलिंग पार्टी है और विपक्ष के लिए ये एक अवसर भी है कि जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी में तो ये एक अवसर होता है कि जहां पर लोगों को आईना दिखाने का, चाहे रूलिंग पार्टी विपक्ष को आईना दिखाए चाहे विपक्ष रूलिंग चाहे रूलिंग पार्टी को आईना दिखाए, दोनों के पास समान अवसर होता है और देखना ये होगा कि जनता किसकी विश्वसनीयता को, विपक्ष की या रूलिंग पार्टी की विश्वसनीयता को कहां तक स्वीकार करती है, लोगों के दावे को कहां तक स्वीकार करती है, लेकिन जो भी हो, जो भी जनादेश होगा वो सभी के द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए, जनादेश तो शिरोधार्य होता है, इसलिए चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे आम जनता, सभी के लिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जी राजन जी, जिस तरह से संजय जी ने अभी बात करी है किसानों के मुद्दे पर, वहीं खास तौर पर उन्होंने तिकुनिया कांड का जिक्र किया, उन्होंने कहा तिकुनिया कांड का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ जब आज मतदान चल रहा था वहीं एक खबर सामने आती है कि तिकुनिया कांड में जो मुख्य आरोपी थे आशीष मिश्रा, उनको जमानत दे दी गई है, उसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई गई, आरोप लगाए गए कि 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर ही उनको इस पूरे जमानत उनको दे दी जाती है, ऐसे ऐसे टाइम पे जब ऑलरेडी पश्चिमी यूपी में इसको लेकर आक्रोश है, किसान गुस्से में है, वहीं मुख्य आरोपी की जमानत मिलना, किस तरह से देखते भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो पहला चरण का मतदान है इसमें और दूसरे चरण में किस प्रकार से उनको नुकसान पहुंच सकता है? यदि हो रहा है तो नो डाउट लोगों में नाराजगी है, 2-3 इशू को लेकर खासतौर से नाराजगी है। एक तो किसान का मुद्दा था, किसान का मुद्दा जब विड्रॉल किए माननीय मोदी जी तो MSP की भी बात हुई थी, किसान इसलिए नाराज है कि उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया, MSP देने के लिए जो कानून बनाने की बात थी या किस ढंग से दिया जाएगा उसकी जो प्रक्रिया का पार्ट था, कह रहे हैं किसान लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं दिया और उससे भटका दिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण, एक तो देखिए आपके पास नाराजगी एक दिख रही है, पब्लिक में नाराजगी दिख रही है, किसान मुद्दा हो, बेरोजगारी का इशू हो या आपका जो अभी पेपर लीक जो इलाहाबाद वाले जो घटना हुई है उस तरह की बात हो, इसके बाद आज ही के दिन जब चुनाव शुरू हुआ है तो आपका अभी मुझे तो लग रहा था कि वहां पे 50-50 लखीमपुर तरफ जो है 50-50 का एक होना चाहिए कि कुछ सीटें समाजवादी पार्टी अलायंस जीतेगा और कुछ बीजेपी अलायंस जीतेगा, लेकिन आशीष जी का आज रिहा होना, ये जितना मैं समझता हूँ राजनीति को, ये बीजेपी को बहुत डैमेज करने वाला है जी। क्योंकि घाव अभी वहां के किसानों को भरे नहीं है, जो घाव है यदि मारा, यदि वो देखिए आप वीडियो भी वायरल पूरा है, उसका एविडेंस भी आ गए थे कि वो है घटना, घटना चाहे जितना आप उसको डिफेंड करिए घटना है, घटना घटी है कुछ, और इस तरह से जो मिस हैपनिंग हुई है, लोगों की जान गई है, किसानों की जान गई है, तो जिसके घर की जान जाती है और समुदाय की जान जाती है कि आवाज आप कैसे दबा सकते हैं, घर में यदि आपको मम्मी पापा डांटते हैं तो बच्चा रिजेक्ट करता है, तो आप सोचिए कि हमको बोलने नहीं देंगे आप, या कोई भी आप संस्थान में किसी में पढ़ते पढ़ाते हैं यदि वहां का अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी वो आवाज नहीं सुनता है तो आपके अंदर एक क्रोध पनपता है। तो इसी तरह से लोगों ने जब अरेस्ट हुए थे लोगों को थोड़ा शांति हुई थी कि आशीष मिश्रा चलो जो कल्प्रिट है वो जेल चला गया है और ठीक है, लोग डिमांड कर रहे थे कि इनके पापा का तो ये चलो ठीक है वो है और मॉरली वो नैतिक मूल नैतिक प्रश्न आ जाता है कि चलिए उनको देना चाहिए इस्तीफा कि नहीं देना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, लोगों में थोड़ा सा क्रोध कम हुआ था, लेकिन आपने इलेक्शन के दिन ही इनको रिहा करवा दिया, ये कौन सा आपने गणित खेला है, इससे आपको नुकसान बीजेपी को बहुत ज्यादा होने वाला है। जो हमारा मेरा पर्सनल असेसमेंट है, हो सकता है मैं भी आई रॉन्ग बट ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन ओवरऑल नाराजगी दिख रही है जी। पुराने पेंशन का मुद्दा, किसान, बेरोजगारी, ये 3-4 ऐसे इशू है, और जो खासतौर से बेरोजगारी इसलिए कहना चाहता है कि युवाओं का और जो बजट में और पक्ष और विपक्ष का देखें तो बेरोजगारी सही में बढ़ी है, क्या कारण है, कोरोना का बहाना लेंगे या क्या लेंगे, क्या कैसे डाटा आएंगे वो डिफरेंट इशू है, लेकिन हाँ बेरोजगारी थोड़ा सा है। लोगों का आवाज को ना सुनना एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, किसी की सरकार हो यदि आप लोगों की आवाज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं, आप कम से कम सुनिए तो जी, कुछ समाधान निकालने की कोशिश करिए, आप ऑटोक्रेटिक मोड में नहीं आ सकते, ये डेमोक्रेसी है। यदि कोई भी सरकार आती है तो हम लोग क्या कहने लगते हैं कि किस तरह से है, हमारा कोई यदि वाइस चांसलर इस तरह से आता है तो हम लोग आरोप लगाते हैं उनको, उनको कहते हैं घटिए यहां से,
आप कैसे नहीं शिक्षकों की आवाज सुनेंगे? तो यही चीज हमको भी अप्लाई करना चाहिए दूसरी जगह। यदि इस तरह का पैटर्न एक आया, लोगों ने कहा, जो शिकायतें ज्यादा आई आम जनों की, तो आपके हम लोगों के शिक्षकों के जैसे मुद्दे थे, तो सरकार ने उस ढंग से एड्रेस नहीं किया जिस तरह से प्रायोरिटी में रखना चाहिए था, और बहुत लोग अपने अपने अधिकारों के लिए कोर्ट गए, लड़े। तो शिक्षक का काम पढ़ाना है कि ये सब काम करना है, लेकिन मजबूरी में न्याय के लिए उनको जाना पड़ा, ठीक है। और इसलिए आप डेमोक्रेसी की स्वच्छता, मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी आपके लिए फायदेमंद है अल्टीमेटली। जी ये अधिकार आपको आपको दिया गया है, तो ये इसको सुदृढ़ बनाइए। कल आप नहीं, परसों वो आएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यदि मूल्यों की स्थापना होगी, अच्छे एक सेटअप की स्थापना होगी, हम लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ढंग से, तो हमारा ही भारत अच्छा होगा ना जी, और जो अल्टीमेटली सबको फायदा पहुंचाएगा। जी जी तो जी इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए लोगों को, खासतौर से राजनीतिक दलों को। जी संजय जी, जो मैं आपकी दुश्मनी तरफ और वैमनस्यता का पैमाना जी 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 राजीव जी मैं आपके पास जी जी मेरा विपक्ष है तो दुश्मनी हो गया। जी राजेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मैं संजय जी की तरफ रुक करना चाहूंगी। संजय जी, जिस तरह से हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड में वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ों को मजबूत करना भी शुरू कर दिया था। अगर हम देखें तो जाटलैंड में भाजपाइयों की जो हलचलें थी वो तेज हो चुकी थी, कई दिग्गज नेताओं ने वहां पर रैली की है, खुद अगर कह सके तो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर रैलियां कर रहे थे और लोगों में ये विश्वास स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह की उनको लेकर गतिरोध बढ़ाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। गन्ना किसानों की एक बात की जा रही थी, गन्ना किसान एक बड़ी समस्या थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी बीते दिनों कई बार इस चीज को जिक्र किया है कि कोरोना काल तक में कोई भी गन्ना मिल हमने बंद नहीं की है, और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि गन्ना मिलों को बंद किया गया वो सिरे से उन्होंने खारिज कर दिए। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की है कि किसानों को वो समझाने में नाकामयाब हुए थे, वहीं उन्होंने उनकी शर्तों को भी मान लिया था और अब MSP पर भी धीमे धीमे वो कार्य करना शुरू कर दिया गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लखीमपुर खीरी कांड में भी वो ये कहते दिखाई दे रहे थे कि आरोपी चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा ही हो, आज वो जेल में है और उस अगर वो आरोपी है तो उसे उसकी सजा दी जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की थी, चक्रव्यूह जो था वो पूरी तरह से बना दिया गया था, लेकिन जो जाटलैंड है उसका अभेद किला क्या भारतीय जनता पार्टी भेद पाएगी? 53 का पिछली बार का उनका रिकॉर्ड था, 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार रिकॉर्ड सेम रहेगा या फिर इस बार नुकसान पहुंच सकता है? संजय जी 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 मैडम ने इस बार तो मैं नहीं मानती हूँ उतना मेंटेन कर पाएंगे, बल्कि इसका विपरीत ही होगा। दे विल गो डाउन इन सो फार एज द टैली ऑफ द सीट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी इज कंसर्न। इतना कुछ हो गया है, देखिए 2017 की बात अलग थी और 2000 इस समय 22 की बात अलग ही हो गई है। उस समय मुद्दा कुछ और था, आज मुद्दे कुछ और थे। उस समय किसान आंदोलन नहीं था लेकिन आज किसान आंदोलन है। उस समय 3 कानून नहीं थे लेकिन आज 3 कानूनों के बारे में बात हो रही है। उस समय MSP नहीं था, आज MSP के बारे में बात हो रही है। और अभी जैसे डॉक्टर राजेंद्र जी ने बताया कि देखिए उसका जो मुख्य आरोपी था उसको बेल पर छोड़ दिया आज। तो अब ये देखिए इस इतने सारे जहां मुद्दे हैं और बाकी जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे तो खैर ये हर बार रहते हैं, लेकिन ये जो तात्कालिक ये जो जो मुद्दे हैं, जो इमीडिएट जो फैक्टर्स हैं, इसने व्यक्तियों को वहां के लोगों को काफी ज्यादा शेक कर दिया है। मैं तो देखता रहता हूँ यूट्यूब में भी और जो न्यूज में भी आती रहती है, लोग अपने अपने कष्टों को और एक साल तक जो उन्होंने झेला है ये भूले थोड़ी हैं। अब देखिए जो आम किसान है, खासतौर से जो वहाँ का जो एक सिख जो सरदार जो एक जो सिख फार्मर है, उसको इस बात का आक्रोश है कि आपने हम लोगों को आतंकवादी कह दिया, आपने खालिस्तानी कह दिया, हम लोग तो दिन रात यहाँ पड़े हुए हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सब जगह पूरे 12 महीने यहाँ पड़े हैं और आपने हमको इस तरह से क्यों कह दिया। अगर कोई उसमें गलत लोग आ गए हैं किसी तरह से, जैसे हर बार ये लोग करते हैं, कहीं भी बड़ा ग्रुप है तो बीच में 2-4 लोग ऐसे चले आते हैं स्वार्थी तत्व, लेकिन उन लोगों के वजह से पूरे आंदोलन को ही ब्लैक लिस्टेड कर देना, लोगों को जो उसमें है सबको हिस्ट्री शीटर बता देना या ब्लैक पेंट कर देना, लोगों को ये बात बहुत टच कर गई है, मेरा जो अपना आकलन है। और इसलिए उन्होंने कहा आंदोलन तो इतने सारे होते रहे हैं लेकिन इस आंदोलन को आपने इतना नेगेटिव क्यों देखा, आपने इतना क्यों इसको बदनाम करने का प्रयास किया। तो लोगों के मन में आज भी इस बात का वो जवाब चाहते हैं, प्रश्न चाहते हैं, इसका उत्तर चाहते हैं।
सरकार से। तो इसलिए मैडम, और जो इतने ढेर सारे इश्यूज हैं, 5 साल की तो एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ तो डेवलप हो ही गई है, लोगों की जो उम्मीदें रहती हैं सरकार से वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है, उनकी जो मांगे थी, कई सारी मांगे थी, एमएसपी वाला मामला था, एमएसपी पर भी देखिए बस आश्वासन ही तो मिला है, अभी कोई ऐसा कोई कार्रवाई तो शुरू नहीं हुई, उन्होंने कहा चुनाव के बाद हम इसको भी टेकअप करेंगे। तो अब देखिए ये सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जनता को केवल 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 आश्वासन और केवल बस अश्योरेंसेस और प्रोमिसेस से आज की जनता नहीं मानने वाली है, ये 21वीं शताब्दी की जनता है, और आज का जो जनमानस है वो ठोस चीजें होते देखना चाहता है ग्राउंड पर। वो ये जो उनकी मांगे हैं ये कोई ऐसा नहीं बड़ी एस्पिरेशनल डिमांड्स हैं, दीज आर दोज डिमांड्स दैट आर डायरेक्टली टचिंग देयर एवरीडे लाइफ्स, ये उनके और उनके पूरे परिवार के समाज के जीवन को ही प्रभावित करने वाली है। इसलिए चूंकि ये समस्याएं हैं, भले ही रूलिंग पार्टी ने बीजेपी ने बहुत प्रयास किया हो, जैसे आपने कहा बड़े दिग्गज नेता है, आने की क्या वजह पड़ी, इतने ढेर सारे जो लोग आए हैं वो इसी बात को तो कहने आए थे कि नहीं भाई जो कुछ हुआ हमने भरसक प्रयत्न किया, अच्छा से किया जाए, अगर नहीं हो पाया ये कुछ कमी रह गया हम आगे देखेंगे। इसका मतलब है 5 साल का जो आपको कार्यकाल मिला था उसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता था, और उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो बीजेपी को ऐसा नहीं पता नहीं था, क्योंकि इसी सारे वादों पर वो आए थे और संभवतः वो पूरा नहीं कर पाए हैं, भले ही उस रूलिंग पार्टी का है, लेकिन आम जनता जो बेस्ट जज होती है वो अगर वो स्वीकार करती कि नहीं कमी रह गई और गंभीर कमी रह गई है, तब तो भाजपा को तैयार रहना चाहिए कि उसकी सीटें ड्रास्टिकली कम होंगी, जितना पहले थी उसमें 50% तो लेस हो सकती है, और ये सभी जितने भी एक रियलिस्टिक असेसमेंट जो पोल सर्वे बार बार होते रहे, बीच बीच में होते रहे, वो पार्टी प्रायोजित होते हैं, है ना, तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसका चूंकि हो सकता है उसको वर्चस्व है, उसका गवर्नमेंट के साधनों पर कंट्रोल है, इसलिए इट कैन अफोर्ड टू से कि देखिए हमारी सीटें इतनी होंगी, इतनी हमें बढ़त मिलेगी, कई सारे इंडिपेंडेंट चैनल्स भी ये सब कहते हैं, लेकिन चूंकि मैं जितना मेरी नॉलेज है, मेरा जितना देखना है और जो सोशल मीडिया और विभिन्न जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा संशय तो है ही है और गंभीर संशय है, और देखिए अभी 1 महीने बाद पता चल जाएगा कितना दूध का दूध और पानी का पानी। जी राजन जी, जिस तरह से संजय जी ने समस्याओं के बारे में जिक्र किया, समस्याएं बेहद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्याएं हैं, कई प्लस पॉइंट्स भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। अगर समस्या किसानों के मुद्दे पर थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमने बैकफुट पर उस निर्णय को लिया है, 3 कृषि कानूनों को हमने वापस किया, किसानों को समझाने का लगभग 1 साल तक प्रयास किया गया, जब वो नहीं माने हमने उनकी मांगों को पूरा किया है। दूसरी तरफ किसान सम्मान निधि के भी वो ताल ठोकते आए हैं कि किसान सम्मान निधि के जरिए उन्होंने तमाम किसानों के घरों तक मदद पहुंचाई है। दूसरी तरफ पिछले चुनाव की बात करें, कोरोना नहीं था, इस बार के चुनाव में कोरोना था, और कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश का जो नियंत्रण था वो बेहद ही मजबूती से दिखाई दिया है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर को बेहद ही अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया है। वहीं पर अगर हम देखें तो पिछली बार 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा था, जहां उन्होंने कहा था मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना में पलायन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका एक और प्लस पॉइंट था जहां उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो 3 तलाक है उसके मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी ताल ठोकी थी, और 2017 का परिणाम हम सबके सामने था जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। वहीं इस बार के चुनाव में एक और फैक्टर है जो बेहद अहम है, अयोध्या, मथुरा और काशी, ये 3 फैक्टर इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, इन्हें भी हम भुला नहीं सकते। अगर इन तीनों जगहों पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी बेहद ही मजबूती के साथ आ गया है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में ये इस बार फायदा उन्हें दिखाई देगा या नहीं? मुझसे पूछा मैडम जी, राजन जी। हाँ, जब बीजेपी ने ये मुद्दे उठाए थे तो उसको फायदा हुआ था जी, जरूरी नहीं है कि वो मुद्दे हमेशा के लिए प्रोलॉन्ग रहे। ठीक है, राष्ट्रवाद एक समय का इशू था जी, धर्म एक समय का इशू था, अभी भी है, जिसमें बीजेपी सबसे मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमारी जो सबसे ज्यादा अहम समस्याएं हैं जो हमारे सर के सामने खड़ी है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला जी, तो यदि आपके पेट में रोटी नहीं है तो अभी उसको मंदिर और मस्जिद याद नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मंदिर और मस्जिद के इशू को एड्रेस करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मंदिर और मस्जिद के इशू को पॉलिटिसाइज करना एकदम भी गलत बात है।
ठीक है, ये अपना पर्सनल मैटर है, आप बनाइए, जी बिल्कुल राजीव जी, शौक से लेकिन बनाइए, सब लेकिन मैं लोग आपको सुन रहा रोकना है। और चाहूंगी, अगर आप सुनिए, रोटी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो ये भी भूलना नहीं चाहिए कि योगी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा इस वक्त गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा भी दी जा रही है, डबल राशन दिया जा रहा है। जी मैडम, उन्होंने इसलिए राशन दिया, अच्छी बात है, सब पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने एजेंडे में करती हैं कि भाई हम ये देंगे, इससे हम हो सकता है हमारा जो कोरोना काल में जो लोग परेशान हुए इससे उनको राहत मिल जाए, लेकिन लोग राहत नहीं देख रहा, यही हम लोग को थोड़ा आश्चर्य है कि मुद्दे कब पब्लिक को कौन सा इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए राशन बहुत महत्व का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% राशन वाले लोग उसको उनको वोट नहीं दे रहे हैं या वोट नहीं देंगे, कुछ कुछ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि चलिए हमको कम से कम फ्री में बैठ के मिल तो रहा है, कुछ लोग दूसरी तरह कि हमको नहीं रोजगार दे दीजिए, हमको ये राशन पानी फ्री में नहीं चाहिए, हम उगा लेंगे। अब ठीक है, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। ठीक, इसके बाद जो कोरोना की स्थिति में आपने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल आपसे डिसएग्री करता हूं, सहमत नहीं हो, कोरोना काल में यूपी का सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट था। सेकेंड और थर्ड जो सेकेंड वेव आई है, सेकेंड वेव में जो आंकड़े हम लोगों ने अपने रोज रोते थे सर हमारे साथ बैठे हुए थे कि आज ये हमारे ये चला गया, आज ये चला गया, ये चला गया, हर गुर में इतनी त्राही माम थी, जब ऑक्सीजन के लिए रोना पड़ा, क्या पूरा देश रो रहा था, इसमें ये नहीं है कि केवल यूपी एक अनोखा राज्य था जहां पे कुछ नहीं, लेकिन हाँ उस लेवल को कम किया जा सकता था, खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यूपी कुछ हमेशा सरकार ने ये सरकार दावा, के साथ राजेंद्र जी, लेकिन यूपी सरकार ने ये दावा पेश किया था कि उत्तर प्रदेश कोरोना के नियंत्रण में नंबर वन था, ये उन्होंने खुद दावा पेश किया है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद ये चीज दावा पेश किया। हम अपना डाटा डाटा कुछ भी पेश कर सकते हैं जी, हकीकत क्या है उसका जो पक्ष है उसको ध्यान रखना चाहिए, तो हकीकत में जितनी लाशें गंगा में बही वो दर्द है लोगों को, वो जो हमको ऑक्सीजन नहीं मिला उसका दर्द है। ठीक है, लोग हमको, मैं बार बार कहता हूं कि आपको संसाधन बढ़ाना चाहिए, आपका एजुकेशन में बजट कितना है, आपका हेल्थ में बजट कितना है, यदि सरकारों से पूछ लिया जाए ईमानदारी से तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लगातार एजुकेशन का बजट घटा रहे हैं, लगातार हेल्थ का बजट घटा रहे हैं, आप किस लिए प्रचार चुनाव प्रचारों के लिए इतना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, गलत बात है। आप संसाधनों पे सबसे अच्छा, आप हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, आपको उभर दिखा दिया कोरोना ने कि कुछ नहीं, हेल्थ आप आपके पास होता था तो हो सकता है हम किसी को क्योर कर सकते थे, आपके पास एजुकेशन सिस्टम को लगातार धीरे धीरे आपके प्राथमिक विद्यालयों से लेके जो जो सरकारी खासतौर से संस्थान थे, सरकारी स्कूल थे, उनको धीरे धीरे उनका जितना भी उसको निम्न स्तर पर ले जाया जाए ले जाया जाए, और आप एक निजीकरण को जो बढ़ावा देने की प्रवृत्ति आई है भारत में, ये भी थोड़ा सा अपने भारत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म शब्द है, सोशलिज्म का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है, सोशलिज्म का मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं है कि आप उनके पार्टी में समाजवाद लिखा है, सोशलिज्म का मतलब आपको पूरे सोसाइटी को साथ लेकर चलना है, पांच उंगलियां बराबर नहीं है, यदि इसको ज्यादा दो रोटी की जरूरत है तो इसको दो रोटी मिलेगी, इसको एक की जरूरत है तो एक मिलेगी, ये आधे में संतुष्ट है तो आधे में मिलेंगे, आप एक सामंजस्य सोसाइटी में बनाने की कोशिश करेंगे, संसाधनों को बराबर बंटवारा करने का, बराबर कहा से मतलब जिसको जो सापेक्ष का अपेक्षित है, जिसको जरूरत है उसको करेंगे, देखिए हमेशा अभाव रहेगा लेकिन उस अभाव को कम किया जा सकता है, ये सोशलिज्म की डेफिनेशन है, मिलके रहिए हम लोग, ये मुद्दे हमेशा देखिए नहीं चलते हैं, हिंदू मुस्लिम हमेशा नहीं चलेगा, बीजेपी अब इस बात को रियलाइज कर रही है, एक नया नैरेटिव जो हम लोगों को सुनने में आया है कि पता नहीं ये हारना इसलिए यूपी जरूरी है इस बार कि भाई 24 में मोदी जी को जिताना है क्योंकि लोगों में, नहीं तो ये हो जाएगा कि आप, तो ये पता नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी आया कि नैरेटिव बनते रहते हैं सोसाइटी में, क्या है नहीं है उसकी तो बाद में होगी, लेकिन हाँ बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ उत्तर प्रदेश था, यदि वो 10 तारीख के बाद यदि क्या परिणाम आते हैं, जिसकी संभावना है कि बीजेपी शायद सरकार ना बना पाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन ऐसा जो प्रतीत होता है कि थोड़ा जो नाराजगी दिख रही है लोगों में, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा जी, जिस तरह से चुनाव इस वक्त, अच्छा जी 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 राजेंद्र जी, जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, कहने के लिए एक बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है, और 403 सीटों पर अगर हम बहस करेंगे तो ये बहस लंबी ही खिंचेगी, पर मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ, समय की कमी के कारण हमें इस बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत धन्यवाद संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए थे, संजय गुप्ता जी और राजेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने चुनाव को लेकर तमाम तरह की जानकारियां साझा की हैं, समस्याओं के बारे में बातचीत की गई, जहां पर वोटिंग परसेंटेज के बारे में भी बात की गई है,
55.70% जो है परसेंट इस वक्त जो आंकड़ा अभी 5 बजे तक का था वो इतना आया था। चुनावी जिस तरह से मतदान इस वक्त जारी है, मतदान का प्रतिशत है वो बेहद कम है। लगातार उत्तर प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे, मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा था, बावजूद इसके जो वोटिंग परसेंटेज था वो अनुमान के मुताबिक नहीं रहा है। इसको लेकर खासी निराशा जो है वो जताई जा रही है। वहीं जाटलैंड की जो किस्मत है इस वक्त वो ईवीएम में लॉक हो चुकी है और उस किस्मत का खुलासा और किसकी किस्मत चमकने वाली है इसका फैसला तो अब 10 मार्च को ही होगा। ऐसे में अभी बाकी के 6 चरण और है जिन पे मतदान होना है और मतदान से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राइम टीवी पर आपको इसी प्रकार से उपलब्ध रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।